अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बठिंडा में आयोजित किए गए पांचवा कर्ज माफी समागम के दौरान 7213 किसानों के कर्ज माफ किए गए, जिनके सोसाइटियों के खातों में 29.17 करोड़ रुपए डाले गए हैं। यह सभी किसान 2.5 एकड़ तक वाली जमीन के हैं, जिन पर सोसाइटियों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज है। जबकि समागम के दौरान जिले के 8 किसानों को कर्ज माफी का सर्टिफिकेट दिया गया। इस बारे में मंत्री बादल ने कहा कि पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था, जो कि लगातार पूरा किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने किसानों के कर्जे के लिए खुद कर्जा लिया है, जिससे कि किसानों की हालत में सुधार हो। साहब आज जेड़ा कर्ज माफी दा कांग्रेस पार्टी दा मैनिफेस्टो सी, ते हुणे पंजाब सरकार दा प्रोग्राम बन चुका है। उहदे तहत हुण डिस्ट्रिक्ट लेवल ते एक कर्ज माफी दियां जिहड़ियां तकसीम जेड़ा चैक वगैरह करने हैं, वह अज बठिंडे दे विच मुनक्कत किया गया और तकरीबन 7,500 किसान का अज कर्ज माफ़ी जी है इस जिले हुई है। सवेरे मानसा च होने जा रही है, उस तरह ही कल फिरोजपुर ज़िले वक्रे वक्रे मंत्रियों ड्यूटियां वक्रे वक्रे ज़िले लगिया गई हैं। थोड़े देखने वाले मैं ये गल याद करवा जाव कि तकरीबन 10,000 करोड़ जड़ा कर्ज माफ़ी किसानों की होने जा रही है। ये 4,000 करोड़ जड़ा है ये कोऑपरेटिव बैंकों का और 6,000 करोड़ जड़ा है ये प्राइवेट या जिन्हों नैशनलाइज बैंक्स कहते हैं। असी पुर उम्मीद हैं कि ये 10,000 का 10,000 करोड़ रुपया जड़ा है ये सितंबर के महीने तक ये मुकम्मल हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।